स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जिला मुख्यालय से 4 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवा में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रतिदिन नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 4,000 से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 66 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। देश के अंदर अत्याधुनिक उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा कर्मी सहित पूरे ढांचे पर काम किया जा रहा है। संरचनाओं को और मूल ढांचा ठीक कर लिया है। इसके अंदर हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, बीएचसी है, सीएचसी है, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब क्रमवार जो है इनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ और वेलनेस सेंटर अभी लगे हैं, इनकी देखरेख हो रही है, काम इन पर चालू है और तकरीबन 4,000 लोग ओपीडी रोजाना हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर में जाते हैं। जहाँ तक पीएचसी का सवाल है, उनको पूरा उनका कायाकल्प कराया जा रहा है ताकि वहाँ पर सब जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कुछ अभी सरकार की तरफ से इक्विपमेंट डालना बाकी है जो इनके अंदर लगे। एम्बुलेंस कुछ थी हमारे पास, ये नई 4 एम्बुलेंस और आई है, इससे हमारा फ्लीट बढ़ेगा, समय पर हम लोगों तक पहुँच सकेंगे।